सो गाइस देखिए ये है कुलचा बर्गर, तो ये है कुलचा, समझ गए आप, और इसी वजह से इसका नाम है कुलचा बर्गर। और बीच में टिक्की वगैरह और वो देखिए चीज़ की लेयर पूरी पड़ी हुई है, लेकिन जो इसमें यूज़ किया गया पाव नहीं होता है इसमें, ये ऊपर कुलचा होता है। और साथ में फ्राइज मिली हुई 79 रुपीज़ में, दोनों मिल रहे हैं आपको। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, और कानपुर के एक न्यू वीडियो में आप लोग का फिर से वेलकम है। तो आज हम लोग आए हैं रतनलाल नगर में, यहाँ का पहले वीडियो हम लोग शूट कर चुके हैं रतनलाल नगर में, लॉरेंस जंक्शन वाला जो ट्रक है ट्रेन वाला, और उसमें टॉप सिटिंग एरिया बना हुआ था। तो यहाँ पर हमने ट्राई करे हुए थे दीदी के कोन वाला पिज्ज़ा और तंदूरी मोमोज। तो अगर वाले वीडियो नहीं देखे अभी तक तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा। तो चलिए लोकेशन दिखा देते हैं, क्योंकि जो न्यू व्यूवर्स होंगे उनके लिए लोकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लॉरेंस जंक्शन में जो टेस्ट मिलता है वो हट के मिला, दीदी ने जो तंदूरी मोमोज खिलाए थे यहाँ वो बहुत ही टेस्टी थे। तो चलिए गाइस दिखा देते हैं आपको लोकेशन की, आपको ये ट्रक है फूड वाला कहाँ पर मिलेगा, उसके बाद चल के दीदी जी से बात करते हैं, आज हम लोग इनकी कोई न्यू डिश ट्राई करने वाले हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको लोकेशन की कहाँ पर ये ट्रक मिलेगा, उसके बाद चल के दीदी जी से बात करते हैं और देखते हैं आज क्या खाने वाले हैं हम लोग। सो गाइस चलिए देखते हैं फूड ट्रक की जो लोकेशन है वो क्या है। तो फूड ट्रक का पूरा नाम यहाँ पर है लॉरेंस जंक्शन के नाम से है, और आ ट्रक जो विर्थ बना हुआ किसका टॉप सिटिंग एरिया साथ में यहाँ पे बना हुआ है, और वो ऊपर बना हुआ टॉप सिटिंग एरिया और पूरा ट्रेन का लुक दिया है इसमें। तो चलिए दिखाते हुए आपको ये रतनलाल नगर मिलेगा जैना पैलेस के बाहर। तो दिखाते हैं कौन सी रोड है ये, तो ये शास्त्री चौक से रोड आ रही दबौली के लिए, जब आप दबौली के लिए जा रहे होंगे शास्त्री चौक से तो लेफ्ट साइड में मिलेगा आपको जैना पैलेस के बाहर, और इधर जब आप दबौली से जा रहे होंगे शास्त्री चौक के लिए तो ये वाली जो फूड ट्रक है ये आपको राइट साइड पर मिलेगा। और इससे पहले हम लोगों ने वीडियो शूट किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं फूड ट्रक पे और बात करते दीदी जी से और देखते हैं आज कौन सी डिश ट्राई करने वाले हम लोग यहाँ। सो गाइस चलिए बात कर लेते हैं, और दीदी जी थोड़ा बिजी हैं तो आज इनसे हम लोग बात करेंगे। इन लोग से पहले भी बात कर चुके हैं, सबसे बात करी थी हमने, तो आप अपना नाम बता दीजिए फिर से। मेरा नाम हर्षा वलेचा है। और वैसे ये फूड ट्रक कब से लग रहा है यहाँ पर? 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने कम्प्लीट हो चुके हैं। हाँ जी। तो हम लोग पहले भी आए हुए हैं तो मुझे याद नहीं है कब आए थे, और जैसा कि काफ़ी अच्छा फूड वगैरह मिलता है तो टाइमिंग बता दीजिए आप, क्योंकि न्यू व्यूअर्स के लिए टाइमिंग वगैरह बहुत ज़रूरी है। सुबह 11 बजे से लेकर रात 9 बजे तक लगा रहता है। सुबह 11 बजे से 9। तो वैसे अब आपके यहाँ पर न्यू डिश कौन कौन सी आई हुई है? कुलचा बर्गर है एंड पनीर टैको है। पनीर टैको है, यस। और जैसे कि नॉन वेज भी आप लोगों ने स्टार्ट किया तो उस पर क्या क्या है? नॉन वेज में चिकन टैको है, चिकन टैको है, और वेज वाला पनीर टैको खाएगा, और जो नॉन वेज वाला है वो चिकन टैको खाएगा। यस सर। और ऐड हुई है और चिकन कुलचा बर्गर भी है, मतलब हर एक चीज़ नॉन वेज और वेज दोनों में है। यस सर। तो मुझे आज क्या खिलाने वाले हैं आप लोग? आपको मैं रिकमेंड करूँगी आप कुलचा बर्गर खाएँ एंड पनीर टैको। पनीर टैको। प्राइस क्या है दोनों का? कुलचा बर्गर का प्राइस 79 है और पनीर टैको का 119 है। कुलचा बर्गर के साथ फ्राइज भी आपको ऐड मिलेगा, ऐड ऑन है। अच्छा, मतलब फ्राइज फ्री में मिलेंगी उसके साथ में, कुलचा बर्गर के साथ में? यस सर। वेज नॉन वेज दोनों में है ये चीज़? यस सर। तो आज हम लोग यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं कुलचा बर्गर, और 79 रुपीज़ प्राइस है उसका, उसके साथ में फ्राइज फ्री मिलेंगी कुलचा बर्गर के साथ में, और क्या ट्राई करने वाले पनीर टैको, तो ये दो चीज़ें, और 190 का पनीर टैको है, और जो कुलचा बर्गर है वो 79 रुपीज़ का है। मेकिंग जो है वो शेयर नहीं कर सकते, आज मेकिंग शेयर नहीं होने वाली है उसके लिए, सॉरी मेकिंग शेयर नहीं होने वाली है क्योंकि कुछ सीक्रेट है, तो दीदी जी आज नहीं शेयर करेंगी। जैसे पहले हम लोगों ने कोन पिज्ज़ा शूट किया था और तंदूरी मोमोज, तो मेकिंग शेयर करी थी उसकी, तो आज नहीं शो होगी। तो कोई बात नहीं, आज हम ऐसे ही खा के लोगों के साथ टेस्ट शेयर करेंगे। ओके थैंक यू। ओके वेलकम। सो गाइस फाइनली रेडी होके आ चुका अपना पनीर टैकोस, और जैसा कि डिश आज नहीं हम लोग के साथ शेयर हुई है क्योंकि दीदी ने मना कर दिया था मेकिंग नहीं शो कर सकती हैं आज। इससे पहले हम लोगों ने क्या ट्राई किया था, तंदूरी मोमोज और कोन वाला पिज्ज़ा, तो वो दो तो दीदी ने उसकी मेकिंग दिखा दी थी, आज फिलहाल मेकिंग नहीं शो करी है, सीक्रेट रखा है। और जैसा कि दो चीज़ें हम लोग यहाँ पर खाएँगे, एक पनीर टैकोस और कुलचा बर्गर, तो मेकिंग दोनों की नहीं शो हो सकती है, मना करा है उन्होंने कि मैं सीक्रेट रखूँगी, नहीं शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए हम भी ट्राई करते हैं पनीर टैकोस जब आ चुका रेडी होकर,
और 119 का है प्राइस, आपसे शेयर कर दूँ। तो चलिए खाते हैं, फिर टेस्ट शेयर करते हैं। बहुत ही हैवी है ये। और कोन पिज़्ज़ा में आपने देखा था जो चीज़ लगाती हैं वो इनके पीस पे होते हैं, चीज़ वैसे नहीं डाली जाती है केचप के तरीके। तो इसकी जो ब्रेड होती है वो इतनी बड़ी होती है पराठे की तरह, उस पर ही पनीर टैकोस बनाया गया है। और पनीर के इतने बड़े बड़े पीस हैं, बाकी सब वेजीज हैं, इसमें चीज़ पड़ी हुई है लेकिन जो वेजिटेबल्स है वो बहुत ही ज़्यादा है इसमें। हरी वाली धनिया पड़ी हुई है, अनियन, कैप्सिकम, काफ़ी कुछ है इसमें। तो सारा जितना भी टेस्ट है इसमें वेजिटेबल्स का ही आ रहा है, लेकिन जो चीज़ वगैरह के साथ बनाया गया इसे तो उस वजह से काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है। और पनीर के पीस काफ़ी बड़े बड़े हैं इसमें। और इसमें वो ग्रीन वाली सॉस यूज़ करी गई है जो हम लोगों ने तंदूरी मोमोज में ट्राई करे थे, और जो इनकी वो चटनी होती हरी वाली वो बहुत ही टेस्टी थी, हम लोगों ने पहले भी ट्राई किया था। आज भी बता रहा हूँ कि आप अगर तंदूरी मोमोज खाएंगे तो फ़ैन हो जाएंगे, पक्का डन। आपने कानपुर में और भी खाए होंगे लेकिन इनके यहाँ जैसा मैंने ट्राई किया था, जो इनके तंदूरी मोमोज का टेस्ट आया था वो फ़िलहाल कहीं नहीं मिला मुझे कानपुर में आज तक। तो चलिए पनीर टैकोस अपना फिनिश करते हैं, और इसके बाद आने वाला क्या अपना कुलचा बर्गर, जो फ़िलहाल आज तक ना मैंने सुना था और ना खाया है, आज यहाँ ट्राई करने वाले हैं। टैकोस शायद आपने ट्राई भी किया होगा लेकिन कुलचा बर्गर नहीं ट्राई किया होगा। तो चलिए इसको फिनिश करते हैं, इसके बाद अपना कुलचा बर्गर रेडी होके आ रहा है, फिर वो खाते भी टेस्ट शेयर करते हैं। और हैवी ये कितना देख सकते हैं आप, इसमें वेजिटेबल्स भी देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा पड़ी हुई है भरपूर मात्रा में, और नीचे पनीर के पीस पड़े हुए हैं। ये देख लीजिए पनीर का जो पीस है कितना बड़ा बड़ा पड़ा इसमें। तो चलिए फाइनली इसको भी फिनिश करते हैं क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा हो रही है, इसके बाद कुलचा बर्गर का वेट कर रहे हैं, कुलचा बर्गर आ जाए फिर खा के आपके साथ टेस्ट शेयर करते हैं। सो गाइस देखिए ये है कुलचा बर्गर, तो ये है कुलचा, समझ गए आप, और इसी वजह से इसका नाम है कुलचा बर्गर। और बीच में टिक्की वगैरह और वो देखिए चीज़ की लेयर पूरी पड़ी हुई है, लेकिन जो इसमें यूज़ किया गया पाव नहीं होता है इसमें, ये ऊपर कुलचा होता है। और साथ में फ्राइज मिली हुई 79 रुपीज़ में, दोनों मिल रहे हैं आपको। फ्राइज देख रहे हैं आप कितनी मस्त बनाई गई है, मेकिंग नहीं शेयर कर सकते थे, नहीं आपको दिखाते कुलचा बर्गर की मेकिंग, लेकिन जो इसमें नीचे चटनी देख रहे हैं आप ग्रीन ग्रीन दिख रही है पूरी नीचे वाले कुलचे पे। तो चलिए हम भी खाते हैं, भाई आ गया रेडी होकर तो फिर वेट नहीं होता इन सब चीज़ों के बाद, तो खा के भी टेस्ट शेयर करते हैं आपके साथ। लेकिन आप इसकी मेकिंग देख लीजिए, नहीं शो करी लेकिन कितना गजब का बनाया हुआ ये। तो चलिए खाते हैं फिर टेस्ट शेयर करते हैं भाई। सो गाइस फाइनली आ चुका है अपना कुलचा बर्गर रेडी होकर, और जैसा कि 79 रुपीज़ में है ये और साथ में फ्राइज़ आपको मिलेगी इसमें। तो चलिए खाते हैं फिर टेस्ट शेयर करते हैं आपके साथ। और इसकी खासियत यही है कि समझ जाइए इसकी जो ब्रेड है जो पाव होती है वो पाव नहीं है, इसमें कुलचा लगाया गया ऊपर से। तो चलिए खाते हैं फिर टेस्ट शेयर करते हैं आपके साथ। और बर्गर खाने के लिए मुंह का साइज बड़ा करना ही पड़ता है और सबके साथ यही होता है, तो चलिए खाते हैं। बहुत ही यमी है भाई, टिक्की वगैरह जो है वो बहुत अच्छे से अंदर से क्रिस्पी है, टिक्की की बाइट जो मुंह में आई है, और अनियन और चीज़ की जैसे कि आपको मैंने दिखाई, जैसे कि दीदी चीज़ डालती हैं तो पीस बना के डालती हैं, और इसमें ओनली अनियन यूज़ किया गया वेजिटेबल्स में, और चीज़ के नीचे भी अनियन है। तो चलिए खाते हैं एक दो बाइट और। भाई बर्गर खाने में यही हाल होता है, मटेरियल बाहर भागता है उसका। तो भाई टिक्की बहुत ही गजब की बनाई है, टिक्की का जो टेस्ट है और इसमें सॉल्ट और मसाले वगैरह जो डाले गए हैं वो बहुत ही बैलेंस है। बर्गर तो खाया होगा जैसे इससे पहले बिग बाइट व्हील्स पे हम लोगों ने क्रिस्पी वाला बर्गर खाया है जिसको बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्पी किया जाता है, उसके बन को भी क्रिस्पी किया जाता है, उसकी टिक्की को भी क्रिस्पी किया जाता है।
और चटनी वगैरह जो डाली जाती है, जो बनाती हैं दीदी जी, उनकी चटनी वाकई बहुत टेस्टी होती है। आप आइएगा जब ट्राई करने, खुद ही पता चल जाएगा। और ये जो खुले मौसम में बैठ के खाने का मज़ा आता है, और जैसा कि बारिश का टाइम चल रहा है तो मौसम बहुत अच्छा है, और यहाँ टॉप सेटिंग एरिया बना हुआ है तो यहाँ खाने का मज़ा ही कुछ और आता है। और इससे पहले भी हम लोगों ने जो इनकी चीज़ें ट्राई करी हुई थी बहुत अच्छी बनाई हुई थी, लेकिन 79 रुपीज़ में आपको फ्राइज़ और बर्गर साथ में मिलेगा। तो चलिए एक दो फ्राइज़ खाते हैं। तो फ्राइज़ भी काफ़ी टेस्टी बनाई है, और इनके हाथों में बोले तो जादू है, हर एक चीज़ इनका टेस्टी लगता है खाने में। लेकिन जो कुलचा बर्गर आज हम लोगों ने ट्राई किया है वो भी हट के मिला है। कुलचा बर्गर नाम भी नहीं सुना होगा शायद। और इसके बाद क्रिस्पी बर्गर भी आप ट्राई कर सकते हैं बिग बाइट बीट्स पे जाके, साकेत नगर मैंने आपको दिखा, लोकेशन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका भी। जो क्रिस्पी बर्गर है वो हट के बनाया जाता है। तो चलिए गाइस फाइनली अपना कुलचा बर्गर भी फिनिश करते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने जैसे पनीर टैकोस खाया था वो भी काफ़ी अच्छा था, उसमें जो वेजिटेबल्स और केचप वगैरह जो चटनी वगैरह यूज़ करी गई थी उस वजह से टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था, और मसाले और सॉल्ट वगैरह बिल्कुल बैलेंस। तो चलिए कुलचा बर्गर अपना फिनिश कर लेंगे फिलहाल, और साथ में प्राइस है, ऑफ़र बहुत अच्छा है, 79 रुपीज़ में कुलचा बर्गर के साथ में प्राइस मिल रही है। तो चलिए गाइस फाइनली अपना कुलचा बर्गर फिनिश करते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने फिनिश कर लिया क्या पनीर टैकोस और क्या कुलचा बर्गर, दोनों चीज़ मतलब कुलचा बर्गर फ़िलहाल नहीं मिलता है, लेकिन जो उसका जैसे कि बर्गर में बन यूज़ किया जाता था तो उसमें ऊपर और नीचे जो उसके लिए बर्गर वाली बन की जगह कुलचा यूज़ किया गया, तो टेस्ट उसका काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि जो कुलचा था वो बहुत ही सॉफ्ट था, और टिक्की वगैरह काफ़ी अच्छे से फ्राई करी गई थी, वो बहुत ही क्रिस्पी थी, और चीज़ वगैरह डाली गई थी। तो जो इनके सॉस वगैरह यूज़ करती हैं दीदी वो बहुत अच्छे बनाती हैं, और बोले क्या जो भी खा लो टेस्ट बहुत अच्छा लगता। तो ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तंदूरी मोमोज वगैरह की, उसमें मेकिंग थी, इसमें मेकिंग नहीं है, उन्होंने कहा मैं सीक्रेट रखना चाहती हूँ इसलिए नहीं दिखाई है। तो ठीक है, इस वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए आते तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब कर लिए तो नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, लेकिन एक बार आके यहाँ खा के ज़रूर ट्राई करिएगा कैसा टेस्ट लगता है। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे फिर कहीं नेक्स्ट ब्लॉग में।